गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज माई सेकेंड लेक्चर ऑन टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस द एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1. आई हैव सेलेक्टेड दिस प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम. डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड transitive, where relation R is defined on N, such a way R equals to set of all xy, such that y equals to x plus 5 and x less than 4. So, before writing the relation, first you identify what is domain of this relation. Okay, domain, here we R is defined on N, but x is less than 4. So, you have to take x, a natural number, which is less than 4. So, what are the possible values of x? 1, 2 and 3. So, when you take x equals to 1, okay, then what will be the set R? R equals to, when you take x equals to 1, y equals to 1 plus 5, 6. Then you take x equals to 2, y equals to 7, x equals to 3, y equals to 8. We have to take x 1, 2 and 3 only, not 4, because x is less than 4, not less than or equal to 4. So R equals to 1, 6, 2, 7 and 3, 8. Now, what about R? Is R is reflexive? You can see what is the definition for reflexive function. A comma A belongs to R for all A belongs to set A. तो अभी यहां पे हम देखेंगे R is not reflexive since one belongs to N. यहां सेट ए की जगह क्या है? N है. 1 belongs to N, but 1 comma 1 does not belongs to R. तो R क्या हो गया? R not reflexive. ठीक है? तो अगर negation बताना है, तो एक example sufficient है बताने के लिए. ठीक है? अब symmetric है क्या? देखो, symmetric होने के लिए क्या जरूरी है? If AB belongs to R, then BA must be in R. तो अभी यहां देखो 1,6 belongs to R, but 6,1 does not belongs to R, 2,7 belongs to R, 7,2 does not belongs to R. So you can take any example. Okay, so R is not symmetric since 1,6 belongs to R, but 6,1 does not belongs to R, not symmetric. अब दूसरी बात यह है कि R transitive है क्या? अब देखो, ये बहुत important question है. Transitive होने के लिए क्या जरूरी है? If AB is in R and BC is in R, then AC should be there in R. अब यहां 1,6 है, पर 6 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहां पे नहीं है. 2,7 है और 7 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है. 3,8 है और 8 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है. मतलब AB है और BC नहीं है, तो हम AC को नहीं खोजेंगे. ठीक है? तो उस केस में R जो है ये ट्रांजिटिव रहेगा, क्योंकि 1,6 है पर 6 से शुरू होने वाला कोई दूसरा नंबर नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि R ट्रांजिटिव नहीं होगा. ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है? AB इज देयर, BC इज देयर. इफ AC इज नॉट देयर, देन R इज नॉट ट्रांजिटिव. 1,6 इज देयर एंड देयर इज नो अदर ऑर्डर्ड पेयर व्हिच स्टार्ट विद 6. ठीक है? तो हम AC को नहीं खोजेंगे. ठीक है? तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे R is transitive
ठीक है, तो यहाँ हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, पर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। सो इन दिस क्वेश्चन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड। अब हम फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। ठीक है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सेट ए में क्या है, 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं, और सेट आर जो है रिलेशन आर उसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिसमें वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट वाले से डिविजिबल है, सेकेंड नंबर फर्स्ट वाले से डिविजिबल है। तो अभी तुम ये देखो कि इसमें क्या क्या आएगा, है ना। तो वन जो है ये किससे डिविजिबल है, वन वन से ही डिविजिबल है ना। फिर टू किससे डिविजिबल है, टू वन से डिविजिबल है ना। वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, या हम बोल सकते हैं एक्स डिवाइड्स वाई, एक ही बात है, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स और एक्स डिवाइड्स वाई। सो वन डिवाइड्स वन, देन वन डिवाइड्स टू, वन डिवाइड्स थ्री, वन डिवाइड्स फोर, वन डिवाइड्स फाइव, वन डिवाइड्स सिक्स, ये हो गया। देन टू डिवाइड्स टू, टू डिवाइड्स फोर, टू डिवाइड्स सिक्स, आफ्टर दैट थ्री डिवाइड्स, थ्री डिवाइड्स थ्री, थ्री डिवाइड्स सिक्स, नेक्स्ट फोर डिवाइड्स, फोर डिवाइड्स फोर, एनी अदर नंबर नो, देन फाइव डिवाइड्स, फाइव डिवाइड्स फाइव, देन सिक्स डिवाइड्स सिक्स, ये हो गया हमारा आर। ठीक है, अब इस आर के बारे में क्या बोल सकते हो, इज आर इज सिमेट्रिक, क्या आर सिमेट्रिक है, यहां देखते हैं। अभी हम यहां देखो, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, है ना। इज आर इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है, कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो कैपिटल ए में कौन कौन से ए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ए कॉमा ए का मीनिंग क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ये सब यहाँ पे हैं, 1, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो R क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव चेक किया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके, यानी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 3, तो उसको हमने इन जनरल क्या लिख दिया, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक के लिए यहां हम चेक करते हैं, देखो 1, 2, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, वाई बिकॉज 1 डिवाइड्स 2, पर 2 डिवाइड्स 1 होता है क्या, नहीं होता है, देखो 2, 1 यहां कहीं भी नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बी इन आर, तो यहां पे आर इज नॉट सिमेट्रिक। और निगेशन अगर बताना है देन यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पे हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, अब ये देखो ट्रांजिटिव है क्या, है ना, तो ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं।
ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है? हाँ, अब यहां पे ट्रांजिटिव चेक करना हमको है ना, ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं, इफ ए बी इज ए बी इज इन आर, बी सी इज इन आर, देन ए सी शुड बी इन आर। अब यहां पे देखो 1,1 आर में है। अब 1 से शुरू होने वाले कौन से नंबर है, 1,2 है, 1,3 है, 1,4 है, 1,5 है, 1,1 है, फिर 1,2 है, तो क्या 1,2 है, 1,1 है, 1,3 है, तो 1,3 है, है, तो यहां से यहां तक ये पूरे ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं 1 के साथ। अब 1 के साथ 2 है, अब 2 के साथ देखो, 1 के साथ 2 है और 2 के साथ 2 है, तो 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 2 है और 2 के साथ 4 है, तो 1 के साथ 4 है, 1 के साथ 2 है और 2 के साथ 6 है, तो 1 के साथ 6 है, 1 के साथ 2 है, ठीक है, और कोई नहीं है 2 से शुरू होने वाला, इसको देख लिया हमने, 1 के साथ 3 है, 3 के साथ 3 है, तो 1 के साथ 3 है, 1 के साथ 3 है और 3 के साथ 6 है, तो 1 के साथ 6 यहां पे है, ठीक है। तो ये आप देखोगे, ये पूरे जो ये जो पूरा सेट है ये ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई करता है। अभी देखो 2 के साथ 4 है, अब 4 के साथ कौन सा वाला है, 4 है, 2 4 4 4 2 4 2 4 इज देयर, ओके। तो ये पूरे जो एलिमेंट्स, अब ये क्यों सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो एक सिंपल सा रूल है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक्स डिवाइड्स वाई, वाई डिवाइड्स जेड, तो एक्स डिवाइड जेड रूल होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव है ये बताने के लिए हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो लिखना कैसे है ये भी जरूरी है। देखो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स सी, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ओके। दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। अभी क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक बट आर इज ट्रांजिटिव। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हाँ ये देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है, 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है शो दैट आर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वेयर ऑन सेट आर, सेट आर मीन्स रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, इज नाइदर neither reflexive nor symmetric and nor transitive, a less than or equals to b square। अब देखो इसको यहां से a और b हमको कहां से लेना है, रियल नंबर से, ठीक है। तो पहले हमको ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव देखो 1,1 इसमें है क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल r, कैपिटल r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। सो फॉर ऑल रियल नंबर्स इज a कॉमा ए बिलोंग्स टू दिस सेट, सी 1,1 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है, 1,1 इज इन r, बट व्हाट अबाउट 2,2,
टू लेस देन और इक्वल टू टू स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. थ्री कॉमा थ्री, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, बट इन सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर आर रैशनल नंबर्स ऑल्सो. ओके, सो वॉट अबाउट 1/2, 1/2 इज 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर. 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, तो हमको ऐसा हो सकता है, हमको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिले जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तब ये कैसा हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा. ठीक है, यहां आर की जगह अगर कैपिटल एन रहता है ना, तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाता. ओके, तो यहां पे देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है बताने के लिए यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल. ओके, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके, सिंस 1/2 बिलोंग्स टू आर, विच आर रियल नंबर. ओके, बट 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सिंस 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर इज रॉन्ग. ओके, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अब इसी तरीके से हमको सिमेट्रिक के बारे में देखना है. सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है क्या? ठीक है, तो सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं? इफ ए बी इज इन आर, देन बी ए शुड बी इन आर. अब सिमेट्रिक बताना आसान है ना, जैसे 1/2 यहां पे हम लिख देते हैं 1/2 बिलोंग्स टू आर, सिंस 1 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये करेक्ट है. बट 2/1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर इज रॉन्ग. ओके, दिस इंप्लाइज R is not symmetric. ठीक है, तो R symmetric नहीं है, reflexive नहीं है और symmetric नहीं है. अब transitivity हमको check करनी है ना, तो R is transitive or not. तो transitive के लिए अभी हम क्या करते हैं, transitive ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए भी हमको ऐसा एग्जाम्पल खोजना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. आप सिंपल अगर नंबर लोगे 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो आप करते जाओगे, हो सकता है कि आपको कोई एग्जाम्पल न मिले, पर चूंकि ये रियल नंबर सिस्टम है तो रियल नंबर सिस्टम में केवल 1, 2, 3, 4, 5 नहीं रहते हैं, उसमें निगेटिव नंबर्स भी रहते हैं, उसमें जीरो भी रहता है, उसमें रैशनल नंबर्स भी रहते हैं, उसमें इरेशनल नंबर्स भी होते हैं. तो हमको ऐसा नंबर खोजना है जो इसकी ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता है. ठीक है, तो ये थोड़े से एग्जाम्पल्स याद रखना है ना, क्योंकि एग्जाम के समय में आप नंबर खोजने बैठोगे और नंबर आपको जल्दी से ध्यान में नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर्स देखते हैं. यहाँ पे अगर हम नंबर लेते हैं 2, -2 और -1 है ना, 2, -2, 2, -2 एंड -1 ये हम लेते हैं. ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं 2, -2 बिलोंग्स टू आर, सिंस 2 लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर. क्या ये सही है? -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. 2 लेस देन 4, ये सही है. फिर देखो -2, -1 बिलोंग्स टू आर. ठीक है, सिंस -2 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर. क्या ये सही है? -2 लेस देन 1 करेक्ट है. ठीक है, अब
ए बी इज देयर, बी सी इज देयर, ओके। व्हाट अबाउट ए सी, ए सी क्या है, 2, -1, है ना। तो हम यहां देखेंगे, बट 2, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस 2 < or = -1 square, इज इट करेक्ट, 2 > or = -1 square, दिस इज रॉन्ग, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, 2 > or = -1 square इज रॉन्ग, सो 2, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस 2 > or = -1 square इज रॉन्ग, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमको थोड़े से याद रखने हैं ना, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन है, आर इज द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट a < or = b, है ना। दिस रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन कैपिटल आर, मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो अभी हमको बताना है कि आर रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, पर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको क्या देखना है, a, a r में है क्या, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखो हर एक नंबर, जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1 > or = 1, क्योंकि 1 = 1 वाली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है ना, 1 > or = 1, 2 > or = 2, 1/2 > or = 1/2, इट इज ट्रू, ओके। सो यू कैन से a, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, कैपिटल A की जगह है r, सो r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या, अगर है बताना है तो एग्जाम्पल नहीं देना है, रिफ्लेक्सिव है ये बताना है तो वेरिएबल के साथ बताना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिंस a < or = a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज a, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। इससे क्या हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक, ओके। तो सिमेट्रिक में देखो, अब सिमेट्रिक नहीं है, है ना, ये बताना है। तो नहीं है बताना है तो एक एग्जाम्पल दे दो, है ना। 1, 2 बिलोंग्स टू r, 1 > or = 2 होता है, पर 2 > or = 1 नहीं होता है। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। 1, 2 बिलोंग्स टू r सिंस 1 > or = 2, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r सिंस 2 > or = 1, दिस इम्प्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक।